दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आपको होम्योपैथिक के अंदर सेक्स संबंधी प्रॉब्लम, आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें मेरे कई भाई, कई मेरे मित्र, कई मेरे बच्चे अपना फालतू का पैसा इधर उधर की दवाओं में बर्बाद करते हैं। होम्योपैथिक के अंदर सेक्स को बढ़ाने के लिए और शरीर के कई रोगों को ठीक करने के लिए जो दवा है उसका नाम है जिनसेंग। जिनसेंग दवा, जिनसेंग का मदर टिंचर, यानी कि उसको पीने से सेक्स संबंधी हर प्रॉब्लम ठीक होगी। ये जिनसेंग क्या है, मैं थोड़ा इसका परिचय दे दूं। सबसे पहले मैं आपके सामने स्लाइड सामने करता हूं ताकि आप इसका नाम नोट कर लेवे। ये जिनसेंग मदर टिंचर, एक मिनट में आपके सामने रखता हूँ। जिनसेंग मदर टिंचर होम्योपैथिक दवा, हाँ ये स्लाइड मैंने आपके सामने करी है। अब मैं इसका जो शीशी है वो आपके सामने करता हूँ। देखिए, आप इसका फोटो देखिए, आपको नज़र आएगा जिनसेंग, ये मेड इन जर्मनी है बनावा, और जहाँ तक हो आपको जर्मनी ही खरीदना है। ये 30 ml का पैकिंग है। हाँ, तो इसका सबसे पहले मैं आपको परिचय देता हूँ कि जिनसेंग एक रूट होता है। रूट का मतलब एक जड़ी बूटी होती है, और सबसे बढ़िया जड़ी बूटी इसकी जो होती है वो चीन देश में होती है। तो इसकी जड़ को जब खोद के निकालते हैं तो उसका जो आकार है स्त्री की योनि और उसकी दोनों टांगों जैसा होता है। इसकी जड़ का आप फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये नग्न स्त्री कहाँ से खड़ी करी है। तो इस जिनसेंग के एलोपैथी के अंदर बहुत प्रोडक्ट बन गए हैं, जिसमें आईविटाल, रेविटाल, न मालूम हजारों किस्म के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एलोपैथिक आयुर्वेदिक, जिनके अंदर जिनसेंग का इस्तेमाल होता है। और ये सोने से भी ज़्यादा इसकी जड़ महंगी है, मिलती नहीं है। जिनसेंग का रूट बड़ा मुश्किल मिलता है। उसके बाद रूस देश ने इसकी जिनसेंग की खेती की, और जापान ने भी इसकी खेती की। तो अभी जो जिनसेंग आ रहा है वो सभी देशों से आ रहा है, जापान से भी आ रहा है, रूस से भी आ रहा है, और हो सकता है चाइना से भी आ रहा हो। बाकी सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी तो जापान और चाइना की है, वैसे सब अच्छी है। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर, होम्योपैथिक में जो जिनसेंग काम आता है वो बिल्कुल असली जिनसेंग काम आता है, जबकि और जो प्रोडक्ट्स के अंदर जिनसेंग डालते हैं उनका कोई पता नहीं कि वो कौन सा जिनसेंग है। क्योंकि होम्योपैथिक में लोहे से बनी हुई दवा और सोने से बनी हुई दवा का एक ही भाव होता है, इसलिए इसमें बेईमानी की गुंजाइश नहीं। तो जिनसेंग का प्रयोग, अब मैं इसके प्रयोग के बारे में बताता हूँ, ये कितने काम की चीज़ है। देखिए, जिन नवयुवकों का बार बार वीर्य अपने आप निकल जाता है, मसलन पेशाब करने के साथ वीर्य का निकलना, या वैसे ही पेशाब बिना पेशाब करे वीर्य का बार बार निकलना, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, नाइटफॉल होना, लिंग में तनाव नहीं आना आदि, कई तरह की जो भी प्रॉब्लम है, ये दवा उन सबको ठीक करती है, 100% ठीक करती है। और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह मिलती है और लेने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। पेशाब करने के बाद में जब इंद्री के पीछे थोड़ी सरसराहट होती है, उस तरह की तकलीफ को भी ये ठीक करती है। और किसी किसी को एंड कोस में दबाव महसूस होता है, उसको भी ये ठीक करती है। ये सेक्स संबंधी हर प्रॉब्लम को ठीक करती है, और ये एक ऐसा टॉनिक है, सेक्स के अलावा भी ऐसा टॉनिक है कि जिनको सेक्स की प्रॉब्लम नहीं है उनको भी ये लेना चाहिए। जिनसेंग
30-40 साल के बाद में जिनसेंग का प्रयोग करना चाहिए, कितने लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है, नो साइड इफेक्ट, नो बैड इफेक्ट। ये और शरीर के अंदर क्या क्या काम करती है, मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डाल देता हूँ। ये कमर के दर्द को रोकती है, साइटिका को ठीक करती है, गठिया को ठीक करती है, स्किन डिजीज को ठीक करती है, गर्दन और छाती पे फुंसियाँ होती हैं उनको ठीक करती है। कई भाइयों को, कई मेरे मित्रों को, कई रोगियों को हिचकी आती है, वो कोई दवाओं से बंद नहीं होती है। जिन सेंस से हिचकी तुरंत बंद होगी, ये उसकी रामबाण दवा है। इसके अलावा कमजोरी से आंखों के सामने धब्बे से उड़ना, इस तरह का कोई तकलीफ होना, उसको ये ठीक करती है। गले में अगर सूजन आती है तो उसको भी ये ठीक करती है। पेट में दाहिनी ओर अगर दर्द है तो उसको ये ठीक करती है। हाथों में अगर सूजन आ जाती है, सोलिंग आ जाती है, उसको भी ये ठीक करती है। अंगुलियों के जो ये पोर होते हैं, तो बहुत सी बहन बेटियों के ये बहुत दर्द करते हैं, आदमियों के भी करते हैं, तो ये लेने से ये दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो जोड़ों में अकड़न होती है उसको ये दवा ठीक करती है, जोड़ों की अकड़न को ठीक करती है। और कई ऐसे भी भाई हैं, ऐसे भी मरीज हैं जो डॉक्टर के या वैद्य के पास कहते हैं कि हम जब चलते हैं तो हमारे घुटनों में कड़कड़ की आवाज़ आती है, कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, तो वैद्य उनके चेहरे की तरफ देखता, वो समझ नहीं पाता कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कोई बुक्स के अंदर कि कड़कड़ाहट की आवाज़ क्यों आती है, उसकी क्या दवा है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर ये कड़कड़ाहट की आवाज़ आना जिनसेंग बंद कर देता है, बंद कर देता है। जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है वो जिनसेंग का प्रयोग करें। पीठ में अगर अकड़न हो तो वो जिनसेंग का प्रयोग करें। जिनसेंग जहाँ तक आप खरीद सकते हैं तो जर्मनी खरीदें, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, क्योंकि उनके जो कारखाने हैं जर्मनी के अंदर, वेस्ट जर्मनी इसके होम्योपैथी की जन्मदाता है, तो वो जितने इस इन दवाओं को बनाने में माहिर होते हैं, इंडियन थोड़े कम होते हैं। वैसे भारतीय दवाएं भी सब श्रेष्ठ है, सब अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जर्मनी दवा जहाँ तक हो जर्मनी दवा लें, और सील लगी हुई दवा लें, खुली बिल्कुल ना लें। और अगर जर्मनी नहीं मिलती है तो इंडियन कोई भी दवा ले लें किसी भी फार्मेसी की, लेकिन सील लगी हुई लें। भारतीय दवाओं में SBL, बैक्सेंस, भट्टाचार्य, कहीं हजारों ऐसी फार्मेसी हैं जो इन दवाओं का निर्माण करती है, और सबकी दवाइयां अच्छी है। विशेष करके जर्मनी दवा ज़्यादा असरदार होती है और आजकल सब जगह मिलती है। फिर जैसी भी मिल जाए लेवें, लेकिन सील्ड लेवें। खुली दवा अगर आप ले आएँ तो वो काम नहीं करेगी। इसके पीछे क्या कारण है उस पर हम फिर प्रकाश डालेंगे। तो आज हमने आपको जिनसेंग का परिचय कराया। जिनसेंग की खेती होती है और ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का ही अर्थ है, लेकिन ये इतना महंगा और इतना दुर्लभ है, लेकिन होम्योपैथिक में ये बहुत सुलभ है। इसका इस्तेमाल कीजिए जिनसेंग का, और मस्त हो जाइए, कोई शारीरिक थकावट और नहीं आएगी। एक और मैं जाते जाते आपको बता देता हूँ, कोई रोगी, चाहे वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे और कोई बीमारी का हो, ये जिनसेंग का वो इस्तेमाल कर सकता है। इसका कोई उस पर दुष्प्रभाव नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसकी जो मात्रा है, आधे कप पानी के अंदर 15 से 20 बूंद डाल करके, 15 बूंद ही बहुत होती है, दिन में 3 या 4 बार इसको लगातार कंटिन्यू ले सकते हैं, और ये 3 दिन के बाद अपना असर दिखाना शुरू करती है, और इसको लेते रहिए। देखिए, इस जिनसेंग को मैंने भी बहुत समय तक इस्तेमाल किया और इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं, कईयों को दिया है। हम कोई भी चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो आजमाई हुई और कसौटी पे बिल्कुल कसी हुई चीज़ को बताएंगे, ये नहीं कि हम जिस चीज़ को जानते तक नहीं और उसको बता दिया और फिर किसी जिज्ञासु ने पूछा तो मुंह से कोई जवाब नहीं निकले। नहीं, ऐसा नहीं।
हम जितनी दवाइयाँ जितने फार्मूले हमने बताए हैं हम उनके विषय में जानते हैं, और जो हमसे पूछते हैं जायफल कैसा होता है जायफल कैसा होता है तो हम बताते हैं कि ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है। जय श्री राम।